क्योंकि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन हमारा पहले दिन से कहना था कि हम जीत का अंतर बढ़ाने में लगे हैं और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम चारों सीटों पर 3 लाख से ऊपर की जीत हासिल कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में खासतौर से इतना बड़ा जीत का अंतर कभी नहीं रहा है, न पीछे रहा और आने वाले समय के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की जो जानकारी मुझे मिली है उसमें 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और मैं बहुत बड़ी उम्मीद में पहले से था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेहनत में कोई कमी ना छूटे इसलिए पूरे चुनाव अभियान में पूरे ताकत के साथ हमने मेहनत की, पूरे संगठन ने मेहनत की, पार्टी के नेताओं ने मेहनत की और कहीं कमी ना छूट जाए इसलिए पूरी मेहनत का ये परिणाम है। और मुझे प्रदेश की जनता का एक तो धन्यवाद इस बात के लिए करना है कि पूरी कैंपेन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और उसके साथ साथ कैंपेन के साथ साथ में मतदान में भी उनका जो है बहुत बड़ा सहयोग रहा। 7% की बढ़ोतरी 2014 के चुनाव में इस लोकसभा के चुनाव में मतदान में भी रही और उसके साथ साथ में जो जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी का जो अब की बार रहा उसमें इतिहास दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश ने और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और पार्टी के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, मोदी जी को, अमित शाह जी को और प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय श्री शांता कुमार जी, धूमल जी, नड्डा जी, सभी जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी, पवन राणा जी, सब लोगों ने हमने काम किया और एक टीम के नाते काम किया और परिणाम आपके सामने है। देखिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण था, वो एक बहुत बड़ी वजह। और दूसरे जो योजना खासतौर से उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने शुरू की वो सीधे महिला को अपने दिनचर्या शुरू करने के साथ सामने दिखती थी। सबसे पहले जब रसोई में जाना होता था उनका तो सामने गैस का चूल्हा जब मिलता था तो वो दर्शन देता था एक तरह का कि मोदी जी का दिया हुआ ये गिफ्ट है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा ये गिफ्ट दिया गया है और स्वाभाविक रूप से उनको ये लगा कि जिस बात की हमने अपने घर में, घर हमारा कच्चा है, रसोई भी कच्ची है और घर के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाना ये हमने कल्पना नहीं की थी, ये हमको घर के अंदर पहुंचा करके दिया, तो एक बात वो थी। और उसके साथ बहुत सारी योजना, ये जो खासतौर से किसान सम्मान निधि, ये सीधा उनके अकाउंट में विश्वसनीयता बढ़ी कि आना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया, कहा नहीं मिल गया। और इसका भी बहुत बड़ा असर पूरे देश भर में, जो प्रदेश भर में देखने को मिला। और इसके साथ आयुष्मान भारत का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला जिसके साथ हिम केयर को हमने जोड़ा। ये सारी योजनाएं लोगों के दिल दिमाग में उतरी। हमने पब्लिक मीटिंग में भी जब हम इन बातों का जिक्र करता था नीचे से एक रुझान आता था बहुत जोर का समर्थन का और उससे लग जाता था पता कि भाई ये बातें लोगों के दिल तक पहुंच गई। देखिये मैं इस बात को मानता हूं कि राष्ट्रवाद एक मुद्दा था लेकिन ये मुद्दा लोगों ने नीचे से उठाया, पार्टी ने ऊपर से उस मुद्दे को थोपा, ऐसा नहीं। लोगों के मन में एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि मोदी जी को 5 साल के कार्यकाल में उन्हें काम करते देखा और सिर्फ काम करते देखा, इसलिए उनको विश्वास था काम तो मोदी जी करेंगे ही करेंगे, फिर से आएंगे काम ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में ये बैठी कि देश के लिए लड़ने वाला, देश के लिए मजबूत नेतृत्व, देश के लिए साफ बात कहने वाला ये नेतृत्व है जो मोदी जी के रूप में हमको मिला है और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण। मैंने पहले कहा बहुत एक गलत धारणा मंडी में और पूरे प्रदेश भर में सुखराम जी ने एक कैंपेन के रूप में कि हिमाचल में सरकार भाजपा की अगर है तो ये मेरी वजह से है और मंडी में सारी सीटें जीतने की वजह वो अपने आप ही बताते रहे और मुझे इस बात का संतोष है। आज सारी चीजें स्पष्ट हो गई। मंडी सदर कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से सुखराम जी का बेटा वहां से जो विधायक है, मंत्रिमंडल में मेरे साथी थे,
वहाँ घर घर में जाकर के लोगों के बीच में जाते रहे, बात कहते रहे, और उसके बावजूद भी लोगों ने नहीं सुनी। वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बढ़त मिली है, तो वहां से इतनी बड़ी बढ़त मिलना वो अपने आप को एक संदेश है सुखराम को, सुखराम की राजनीति को और उनके परिवार की राजनीति। निश्चित रूप से अब बहुत ऊर्जा मिली है और उसका निश्चित रूप से लाभ रहेगा। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगी। अभी तो हमको सिर्फ 15 महीने का काम मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला, और बाकी का जब 3.5 वर्ष का कार्यकाल होगा तो उसमें और ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की हुई है और मैं आभारी हूँ अपने नेतृत्व का, और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। निश्चित रूप से उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा बढ़त आएगी, लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश था और जिस प्रकार से मोदी जी की एक लहर चली थी, तो उससे इस बात का आभास होता था कि अच्छी लीड होगी, अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ऐसा मुझे आभास नहीं था। कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, निश्चित रूप से उनकी मेहनत का परिणाम है। और मैं अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, और विशेष मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका भी भारी सहयोग इस चुनाव में हमें मिला, मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से दर्ज की है, क्योंकि आने वाले समय में जिसके बारे में हमने जो इस चुनाव को भी लड़ा है और उन प्राथमिकताओं को निश्चित रूप से पूरा किया जाए। मैडम आ जाओ सर, आ जाओ।